हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल अफी यूट्यूब चैनल में। आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको $2000 की लाइव अकाउंट से ट्रेड दिखाने वाला हूं। लेकिन यार, $2000 की ट्रेड हम ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर की बात ज़रूर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यार, ये जो वीडियो है ना, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। यहाँ पे यार कोई इंकरेजमेंट नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लो। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, आपका जो टोटल कैपिटल है, उसका सिर्फ 1 या 2% हर एक ट्रेड पर आप इन्वेस्ट करो। बाकी अगर आप मार्टिकल फॉलो कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो भी आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ 1 या 2% हमेशा इन्वेस्ट करो। बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये कि यार बड़ी इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या होता है ना, बहुत बड़ा रिस्क होता है। यानी अगर हम यहाँ पे $2000 की ट्रेड लेंगे, यानी इंडियन करेंसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे यार 2-4 मिनट में इतनी बड़ी ट्रेड लेना बहुत अगर हम यहाँ पे हार जाते हैं ना तो रिस्क बहुत बड़ा है, हमारा जो लॉस है वो बहुत बड़ा होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन लॉस भी बहुत बड़ा होगा। हर एक कॉइन के ना दो फेसेस होते हैं, हेड एंड टेल। तो अगर हम कॉइन को हवा में उछालते हैं ना तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन हमें सोच के दोनों तरफ चलना पड़ता है। यानी प्रोबेबिलिटी 1/2 की हमेशा रहती है, एक तो ज़रूर आएगा, लेकिन अगर दूसरा जो हमने चूज़ किया है वो नहीं आया, सपोज़ कीजिए हमने जो चूज़ किया है हेड तो टेल आ गया, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़रूर है। तो यहाँ पे हम हार भी सकते हैं, और अगर हम हारे तो बहुत बुरा हारेंगे। तो इसलिए यार, जो इतना बड़ा बड़ा आपको जो है ट्रेड नहीं लेनी है, हमेशा से ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यार गाइज़, अब चलते हैं यार वीडियो की तरफ। लेकिन यार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ज़रूर बताऊंगा। आज हम $2000 की ट्रेड लेंगे लाइव अकाउंट की हेल्प से। तो यार लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, क्योंकि स्ट्रेटजी मैंने क्या फॉलो की है, क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे यार $2000 की ट्रेड पे, ये जरूर डिस्कस करूंगा। प्लस एक और चीज है, वो ये कि ये जो वीडियो है, जैसे कि आप अगर लास्ट तक देखोगे तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये जो ट्रेड है हम हारेंगे या जीतेंगे। बिल्कुल पता लग जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि मैं जीतूं, हम हार भी सकते हैं $2000। इट्स लाइक कुछ भी, ये मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी जब आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे। चलिए गाइस यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यार आप देख पा रहे हैं मेरे लैपटॉप पे ऑलिमट्रेड का इंटरफेस, वेब इंटरफेस मैंने खुला हुआ है। सबसे पहले इसके प्लेटफॉर्म को, यानी इसके लिंक को मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, और रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं लाइव अकाउंट से हम ट्रेड लेने वाले हैं। एग्जैक्टली लाइव अकाउंट में जो बैलेंस है $3,398, ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। जो कि बोनसेस मैं प्रेफर नहीं करता कभी भी आपको बोनसेस लेने के लिए, तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। टाइमिंग जो है यार वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे किस बेसिस पे करेंगे वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज की जो ट्रेंड है वो हम ट्रेंड फॉलोअर के बेसिस पे लेने वाले हैं। यानी ट्रेंड जो है किस बेसिस पे अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे अगर क्लियरली अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है तो वो ये कि जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, बट यहाँ पे देखिए कुछ जंप भी हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप अगर ओवरऑल बात करते हैं हम, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे करेंसी चेंज करके एक बार चेक कर लेते हैं, वे बहुत सारी करेंसीज है, लेकिन मैं जाऊँगा लोएस्ट, जहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उस पे करेंसी पे जाऊँगा, उसका रीज़न भी आपको बाद में बताऊँगा ज़रूर। और USD पे जाते हैं, तो इसका अगर मैं पीछे का देखूँ तो यार ये तो पूरी हिली पड़ी है करेंसी। पहले यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन ज़रूर था, लेकिन कुछ टाइम से ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि हमारे लिए हेल्प हो सकती है अगर हम ट्रेड लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यार एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जब भी यार कभी ना थोड़ा बड़ा अमाउंट का ट्रेड लो ना, तो यार आँखें बंद करके तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, यानी आईज क्लोज करके तो बिल्कुल मत लो। उसके पीछे थोड़ा ना चेक करो, इन्वेस्टमेंट देखो कि यार आप जो लगा रहे हो ना पैसा, वर्थ है या नहीं है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली तुक्का मारो, यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजीज़ के साथ फॉलो किया करो। आप पूरी चीज़ों को देख के ध्यान में रखें फिर ट्रेड लो। क्यों? क्योंकि यार इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट ना बहुत मुश्किल होता है कमाना, और एक मिनट में अगर चली जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ट्रेंड फॉलोअर के हिसाब से, यहाँ पे यार डाउन अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं काफ़ी देर पीछे की बात करूँ तो कुछ कहानी अलग ही कह रही है। तो यार यहाँ पे भी इसको भी हम अवॉइड करेंगे, और USD को भी, और कोई और करेंसी चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोएस्ट परसेंटेज में क्यों जा रहा हूँ, डेफिनेटली ये इसका भी आपको ज़रूर पता लग जाएगा। और भाई ये करेंसी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब चल रहा है, इसका अगर ग्राफ देखेंगे
तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ईसीजी मशीन जो रहती है ना, जब आपका ईसीजी ग्राफ रीडिंग आप देखते होंगे तो उस तरीके का कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं यार। अगर मेरा डायरेक्शन सेंस जो कह रहा है, ये चार्ट जो है काफ़ी टाइम के लिए ऊपर रहने वाला है, अगर मैं यहाँ से 15 मिनट की ट्रेड प्लेस करता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे लगता है हम जीतेंगे। बट फिर भी अगर 15 मिनट्स हमारे पास अभी वीडियो के लिए नहीं दे सकते हम, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो इसको नहीं बनाएंगे, इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बना रहे और लास्ट तक ज़रूर देखो। तो फ्रेंड्स यार, अभी इस वाली पर्टिकुलर करेंसी पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसका भी कोई ट्रेंड अभी क्लियर नहीं हो रहा है। ट्रेंड का वे अभी तक मुझे क्लियर नहीं है। 30% पे फिलहाल नहीं जाएंगे, 57 नहीं, हम जाएंगे अभी इस पे, जाते हैं जीबीपी एन जेड डी, इस पे देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है। ये फिलहाल जो टाइमिंग है मार्केट एग्जैक्टली कोई ट्रेंड बता नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अभी दूसरी करेंसी देखते हैं। देयर सो मेनी करेंसीज, और कोई ना कोई करेंसी में हमें, क्यों, क्योंकि यार दोस्तों, यार ये रहता ना, जब हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम पैसा लगाएं तो सही रहेगा। आंख बंद करके लगाएंगे तो यार वो नुकसान दे सकता है हमें ज़रूर। आंख बंद करके इतना पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? तो अब जब भी इतना बड़ा पैसा लगाओ ना, तो चाहे 1 घंटा लग जाए उसमें प्रोसेस में, लेकिन जब लगाओ ना तो यार अच्छे से लगाओ, ऐसा लगाओ कि भाई जीत ही जाए। ऐसे हार भी जाए तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं यार, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश आपको रखनी चाहिए कि आप जीतो। समझ रहे हैं मेरा जो कहने का मतलब है? अब ये जो करेंसी है, ये अभी न्यूट्रल चल रही है फिलहाल की बात करें तो मुझे लगता है न्यूट्रल है। फिर भी अगर आप इसको देखते हैं जूम करके थोड़ा सा, तो जो ट्रेंड्स हैं, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी देर के लिए 2-3 कैंडल अप बनेगी, फिर नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यार चलिए इसी करेंसी पे आज जो है ट्रेड लेते हैं, जीबीपी कैड पे। अब टाइमिंग में 5 मिनट की क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यार हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है मैंने कौन सी यूज़ की है, यहाँ पे कोई ज़्यादा खास कुछ नहीं किया हुआ है। पैराबोलिक की डिफॉल्ट सेटिंग्स है, एसएमए 10 पे है, ईएमए 10 पे है और डब्ल्यूएमए 14 पे है। ये आप जाके यार इंडिकेटर वाले सेक्शन से जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एसएमए, ईएमए, डब्ल्यूएमए, ये आप यहाँ से अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और पैराबोलिक सार तो आपको डायरेक्टली डिफॉल्ट सेटिंग्स पे मिल जाएगा, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखते हैं यार थोड़ा सा मार्केट, जैसा कि मैंने कहा था 2-3 कैंडल मुझे लग रहा है ग्रीन की बनेगी, उसके बाद रेड जोन स्टार्ट होना, यहाँ पे स्टार्ट होगा बनना, और उसी टाइम पे हम शायद डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। और जब हम लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड, तो मुझे लगता है अगले 3-4 मिनट तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा मार्केट। टाइमिंग मैंने 5 मिनट सेलेक्ट की है, अभी फॉर श्योर नहीं हूँ मैं यहाँ पे, मैं 3 मिनट भी चेंज कर सकता हूँ। यार बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, जब हम ये टाइमिंग जो चूज़ करते हैं कि कितने देर के लिए हमें ट्रेड लेनी है, यानी एक्सपायरी टाइम जिसे बोलते हैं, तो ये किस तरीके से आप सोचते हो, किस तरीके से आप फिक्स करते हो कि इतना हमें एक्सपायरी टाइम रखना है? तो भाई इसके पीछे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमें ना, जब हम ट्रेड लेते हैं, एग्जैक्टली जब हम ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे हमें फिक्स करना होता है, यानी सोचना होता है कि हम जो ट्रेड लेंगे बेसिकली वो कितने टाइमिंग के, कितनी देर के लिए। क्योंकि जब यार ट्रेंड फॉलो करते हो ना, आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मिलती है, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें सारी सोचनी होती है भाई। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट सडनली चेंज होना ही स्टार्ट हो गया पूरा। अब बात करते हैं, तो यार हमें ट्रेड प्लेस थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्या पता अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टाइमिंग रखेंगे 5 मिनट्स और इन्वेस्टमेंट हमारी रहेगी $2,000। थोड़ा सा और सब्र, और क्योंकि यार हमेशा ना ट्रेड की फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सब्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस आप में होने ही चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। हमेशा से आपको दो चीज़ कहता हूँ, पेशेंस, नॉलेज, जहाँ से मिले ना गेन करते रहो, अगर आपको ये फील्ड में आगे बढ़ना है तो। अब यार दूसरी कैंडल जो बनेगी, मतलब इस पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बन रहा है और काफ़ी नीचे तक जंप ले लिया है। तो अगर अब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है $2,000 की ट्रेड, और ट्रेंड मैंने जो दिया है, यानी हमारी डायरेक्शन जो दी है ट्रेड की, वो दी है डाउनवर्ड। अब पता नहीं यार क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस पर्टिकुलर करेंसी पे नहीं किया है मैंने, ये भी नहीं चेक किया है कि करेंसी के अभी फ़िलहाल में कोई न्यूज़ है इस करेंसी पे या नहीं है। जस्ट मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी है और यार हमारी जो ट्रेड मैंने प्लेस की है ना, उल्टा ही रिजल्ट मिल रहा है हमें अभी फ़िलहाल के लिए तो, क्योंकि 24 सेकेंड्स अभी इस पर्टिकुलर कैंडल को बनने में बाकी हैं।
अब नेक्स्ट कैंडल को बनने में अभी 19 सेकंड बाकी हैं और टोटली अपोजिट रिजल्ट, देखते हैं क्या होता है और उम्मीद करेंगे जो होगा अच्छा ही हो यार। $2000 है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो यार विन ही करें। बाकी अगर बात करते हैं पैराबोलिक सार की या फिर बात करते हैं SME की, तो कुछ खास कन्फर्मेशन नहीं था यहाँ से, लेकिन जो एग्जैक्टली आज का जो ट्रेंड फॉलोअर की बात करते हैं ना, आज का जो मार्केट है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मैंने काफ़ी टाइम से मैं चेक कर रहा हूँ, आज का जो मार्केट है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका भी थोड़ा सा फ़ायदा हमें मिल सकता है आज की इस ट्रेड में, अगर हम जीतते हैं तो, नहीं जीतते तो ये हार्ड लक बोलेंगे या बैड लक बोलेंगे या कुछ भी कह सकते हैं, बट उम्मीद तो हम जीतने की रखेंगे क्योंकि यार इतनी बड़ी ट्रेड लगाई है तो जीतेंगे ज़रूर। क्योंकि यार हमेशा एक बात याद रखो यार, जब भी ना कोई पॉजिटिव काम करते हो ना या कोई भी काम करते हो, मैं ट्रेड की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ कुछ भी अगर आप लाइफ में नया करने की कोशिश करते हो और अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि भाई ये जो तू कर रहा है ना इसमें तू सक्सेसफुल नहीं होगा, या अगर तू गलत हो गया ना इसमें, या तू पहली बार ये चीज़ तू स्टार्ट कर रहा है, तू अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे भाई, तेरे घर वाले क्या बोलेंगे, तो भाई वो जो चीज़ है ना उस टाइम पर अगर तुम नेगेटिव सोचते हो ना, तो ये जो अर्थ है वो तुम्हारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करती है, ठीक है, उस टाइम पे नेगेटिविटी को तुम्हारी एब्जॉर्व करती है और चीज़ें भी तुम्हारे साथ नेगेटिव ही होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो भाई चीज़ें चाहे तुम्हारे साथ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिजल्ट का मत सोचो यार, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा पॉजिटिव रहो ताकि तुम्हारे जो माइंड का वेव सेट है ना, माइंड का जो माइंड सेट है तुम्हारा, अगर वो पॉजिटिव रहेगा ना तो चीज़ें भी पॉजिटिव होने की डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। तो यार अभी देखो हमारे पास ये जो लास्ट कैंडल बनी है 42 सेकंड्स की, अभी इसमें एक्सपायर होने में भी काफ़ी टाइम बचा है, 35 सेकंड्स बचा है यार, और बहुत ही लंबी उछाल ली है इस कैंडल ने जो कि अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, क्योंकि इतना नीचे मार्केट जाने के बाद इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल, कोई बात नहीं। तो अभी ये 24 सेकंड्स एक्सपायरी में बचे हैं और यार ज़्यादा ही बड़ी उछाल ले लिया इसने, और देखते हैं क्या होता है। एक क्रिकेट की जैसे कमेंट्री रहती है ना, कमेंट्री रहती है उस तरीके से कुछ यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा दबाव वाला मूवमेंट, यानी $2000 की ट्रेड है और देखते हैं क्या होता है यार। उम्मीद कर रहा हूँ आप भी साथ में बने हुए होंगे और देख रहे होंगे कि क्या होगा इस ट्रेड का फाइनली, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज मूवमेंट चल रहा है भाई। ऐसा लगता है ना यार लास्ट बॉल पर हमें कुछ रन्स की ज़रूरत होती है, लास्ट ओवर में एक ओवर बचा है हमारे पास और उसमें हमें जो रन है वो चाहिए 18 रन, यानी जब 3 छक्के लग जाएंगे ना 3 sixes तो हम वहाँ पर विन भी कर सकते हैं, लेकिन यार लास्ट ओवर में अगर 3 sixes नहीं लगे तो हम यहाँ पर लॉस भी कर जाएंगे। तो ये है अभी का जो सिनेरियो, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1 six लग गया है, 1 six हमारे जो प्लेयर हैं उन्होंने 1 छक्का मार दिया है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अब देखते हैं अगला हमारे पास, अभी हमारे पास 2 candle का और गेम बाकी है, यानी 2 candle और जो नेक्स्ट बनेंगी ना उन पे सारा मैटर डिपेंड करेगा ये कि क्या होगा। अभी तो नेक्स्ट कैंडल पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा और उसके बाद उसके अगली कैंडल्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, तो यार यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब सिंपल है। तो यार गाइज कभी भी ना इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो ये कि जब भी आप कोई ट्रेड लो ना तो यार उसके पीछे ना मार्केट का इम्पैक्ट चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई सही नहीं है, आपको लगता है मार्केट इस टाइम पर सही नहीं चल रहा, तो भाई फिर ट्रेड मत लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो यार, पॉज ले लो, ठीक है। ये चीज़ें आपका थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि यार गाइस ये भी देखो कि ये जो मैंने ट्रेड ली है ना $2000 की, अगर ये मैं हार जाता या हार जाऊंगा, अगर मैं हार जाता हूँ सपोज़ कीजिए, तो इसके बाद मेरे पास $2000 की ट्रेड लेने के लिए पैसा भी नहीं है, कि मैं इतना पैसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर $2000 की ट्रेड ले लूँ। रीटेक का कोई चांस नहीं है, ओनली 1 chance है हमारे पास, सिर्फ 1 मौका है $2000 की ट्रेड को या तो जीतने का या हारने का। और एक बात आपको बता दूँ यार, कभी भी ना, अब आपको ये पोजीशंस जो अभी हम जिस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन में आपको लग रहा है कि हम शायद जीत जाएंगे, लेकिन अभी ये गलतफहमी है आप लोगों की, कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट का, नथिंग। यहाँ पे एक कैंडल जस्ट अ सेकंड माइनस सेकंड से आप इतनी लंबी उछाल से भी हार सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते, और माइनर सेकंड की वजह से आप इतनी बड़ी उछाल से भी जीत सकते हो जितना आप सोच नहीं सकते। अब बात करते हैं यार गाइस स्ट्रेटजी की, तो मैंने भाई कुछ भी फॉलो नहीं किया इस ट्रेड के लिए, मैंने जो फॉलो किया सिर्फ ट्रेंड फॉलो किए। अगर मैं पीछे के कुछ ट्रेंड्स देखूँ तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे ट्रेंड मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने ये जो ट्रेड ली है वो यहाँ पर ली है, अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे ये देखिए, अब सडनली ये मार्केट जो है ऊपर जाना है, ऊपर गया और ये जो ट्रेड है हम मतलब जीत गए, लेकिन कितने माइनर सेकंड के डिफरेंस से जीते वो आपको अभी पता लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लाइक अमेजिंग, लाइक ये इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हार्ड लक, इसको यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारी जो आई है कैंडल, यहाँ पे थी हमारी कैंडल अभी, और हम जो जीते हैं
वो माइनर सेकंड्स की वजह से जीते हैं, लाइक बिल्कुल ही माइनर सेकंड, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते इतना मैक्रो सेकंड्स की वजह से हम यहाँ पे जीते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट लग रहा है तो यहाँ पे ग्राफ में आप आसानी से देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं आप कितना कितना माइनर सेकंड्स की वजह से हम जीते हैं। और ये यार तभी होता है ना जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है भाई और आपकी स्ट्रेटजी में दम होता है। यहाँ पे अगर मैं, अब एक चीज ध्यान देने वाली है वो ये, अगर मैं यहां से 2 मिनट की ट्रेड पे रखता, ठीक है 2 मिनट टाइम सेट करके रखता तो हम हारते, बिल्कुल हारते। अगर मैं 3 मिनट या 4 मिनट रखता तो भी हम हारते, यहां पे आ जाती या फिर यहां पे भी आ जाती तो हम हार जाते। लेकिन मैंने 5 मिनट रखा तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली पॉइंट के साथ हम जीते। हाँ अगर मैं 1 मिनट की रखता तो शायद जीत सकते थे, चांसेस थे, बट हमारे पास 5 मिनट की रखने के भी बहुत सारे रीजन थे। तो फ्रेंड्स यार ये जो चीजें रहती है ना ये पूरी आपकी स्ट्रेटजी पे वर्क करती है। हमारा जो बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया है $1,600 प्लस। और अब मैं बताता हूँ यार, मैंने एक वीडियो का पार्ट जो है आपको स्टार्टिंग में पॉज पे रखा था, यानी मैंने स्किप किया था, वो ये कि यार मैंने आपको कहा था कि मैंने ये करेंसी क्यों चूज की GBP CAD, या फिर मैं जो लो रेट वाला करेंसी क्यों चूज कर रहा था नीचे जाके। एक्चुअली यहाँ पे अब मैं जो करेंसी चूज कर रहा था वो ये करेंसी चूज कर रहा था, हालांकि इसमें मुझे ट्रेंड एग्जैक्टली नहीं मिले कोई, तो मैंने इन करेंसी को चूज नहीं किया। बट इसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने इन करेंसी को चूज कर रहा था जिसके रेट कम थे, यहाँ पे मैंने GBP CAD को चूज किया जिसका जो करेंसी रेट है, मतलब हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा था वो मिल रहा था 80%। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता तो यहाँ पे इसको भी चूज करता था, यूरो JPY को भी कर सकता था, मैं CGF JPY को भी कर सकता था, जहाँ पे मेरे को जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिलता था। अगर मैं यहाँ पे करता तो मुझे $300 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता, यानी $300 मुझे और मिल जाते। यार इंडियन करेंसी की बात करते हैं तो 21,000 रुपये, ठीक है 21,000 रुपये मेरे को और प्लस हो जाते, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ट्रेड ली वो नीचे वाली करेंसी पे ली, क्योंकि यार भाई एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप ज़्यादा परसेंटेज के साथ जाते हो ना, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, ये भाई प्रो टिप है, ठीक है ध्यान रखना और ध्यान से सुनना, अगर आप ट्रेड जीतना चाहते हो ना तो प्रॉफिट परसेंटेज कम रखो। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज आपकी ट्रेड में होगा, आपकी करेंसीज में होगा, उतनी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होगी, उतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन होंगे, उतने ज़्यादा मार्केट अनस्टेबल होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यार हमेशा ना जब भी ट्रेड लो तो यार ऐसी करेंसी को चूज करो जिस पे प्रॉफिट परसेंटेज कम हो। रीजन उसके पीछे का यही है कि भाई अगर आपको प्रॉफिट मिले ना, चाहे वो प्रॉफिट कम ही मिले, लेकिन सेटिस्फाई होना चाहिए, आप उसमें सेटिस्फाई रहोगे, कम प्रॉफिट में आप खुश रहोगे बिल्कुल। लेकिन यार ज्यादा प्रॉफिट में के चक्कर में अगर आप हार जाते हो ना तो यार आपको जो मतलब फिर जो प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे आपको 90% प्रॉफिट मिलेगा बिल्कुल, लेकिन यार हमेशा एक बात याद रखो जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर में भी बताया था कि रिस्क इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहती है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट कभी हटेगी नहीं इस चीज़ से। आप अगर इन्वेस्ट करते हो ना पैसा, कहीं भी इन्वेस्ट करो रिस्क रहेगी। तो यहाँ पे आपको अगर कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है ना तो उसके पीछे यार दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि भाई ये ज़्यादा पैसा अगर मुझे करेंसी दे रहा है तो इसके मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, वो ज़्यादा पैसा ले भी सकता है हमसे, क्योंकि हमें ना कम पैसा दे रहा है ना वो, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे हम सेफ खेल सकते, हम सेफ जा सकते। तो ठीक है यार गाइज, वीडियो देख रहे होंगे ना यार अभी तक, तो यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये यार प्यार तो आप लोग मुझसे बहुत करते हो, मैं जानता हूँ जितना प्यार मुझे मिलता है टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे, तो उन लोगों को आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यार लाइक करके जाना ना वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मोटिवेशन के लिए यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। दूसरी चीज़ यार चैनल पर बिल्कुल नए हो ना तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं जो कि कहीं और नहीं मिलेंगे, यानी नए एकदम ब्रांड न्यू चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है आपको। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यार वहां पे ज्वाइन नहीं होते हो ना तो बहुत कुछ मिस करोगे। चलिए गाइज यार मुलाकात करेंगे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।